जो है जितने भी डिपार्टमेंट्स के इंस्ट्रक्शन आते हैं उसको हम सर्कुलेट करते हैं सभी ज़िले में ब्लॉक लेवल पे भी, और जो भी हमारी मदरसा है या इस जो भी हमारे स्कूल्स हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट के माध्यम से भी उनको मैसेज दी जाती है कि किस तरह से डेवलपमेंट की जाए। सुभानअल्लाह के मेन गेट पे भी उर्दू में लिखा हुआ है। देखिए वो बहुत सभी डिपार्टमेंट के जो भी ऑफिसर्स हैं उनके नाम भी आप देखेंगे कि उर्दू में लिखे गए हैं, और मेरे कार्यालय में भी आप चले जाएंगे तो उर्दू में ही दिया हुआ है। सारे प्रोग्राम का जो प्लान पूरे बच्चे तक नहीं पहुँच पाता ज़रूर दे दी जाएगी। अभी चूँकि बहुत शॉर्ट टाइम में ये प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है इसीलिए बहुत लोगों तक नहीं पहुंच पाई है। नेक्स्ट टाइम से हमारी कोशिश रहेगी कि पूरे ज़िले वासियों को ये खबर पहले दे दीजिए। ठीक है, थैंक यू। है वो शगुफ्ता परवीन है, मोहम्मद शमीमुल की बच्ची हैं, ये भी रामदौड़ उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मोरसंड की तालिबीन। आओ बाबू। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज के दौर में तालीम की अहमियत से कैसे इनकार हो सकते हैं? तालीम से बेशुमार फायदे हैं। तालीम से आदमी को जानवर से इंसान बनाती है। तालीम से इंसान बेहतर जिंदगी गुजार सकते हैं, अंधेरे से उजाले की तरफ आते हैं, पस्ती से बुलंद की तरफ जाते हैं। तालीम से इंसान अपनी खुदा को पहचानते हैं। अच्छे बुरे में तमीज पैदा होती है। इल्म ही ऐसी दौलत है जो कभी बर्बाद नहीं होती, ना तो कोई चुरा सकता है और ना छीन सकता है। तालीम हर दौलत से बेहतर है। इल्म वालों की कदर हमेशा से होते आई है और तालीम से अनगिनत फायदे हैं। इसी वक्त हासिल हो सकते हैं जब इल्म के जरिए उनको जाहिर किया जाए वरना बगैर अब के इल्म बेकार हो जाता है। और मैदा की तरह रख लेना नाम इल्म नहीं होता। जब इखलाक दर्ज ना हो तो इल्म बेकार हो जाता है। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, तालीम जिंदाबाद। और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो।